से अभिवादन करता हूं, और जो साथी कमेंट में क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करेंगे, मैं उनका भी क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। जेल हुई, हां जेल हुई, लेकिन कितने दिन की हुई? ये जेल हुई मात्र 24 दिन की। सारी जिंदगी अगर ये सरकार जेल में डालना चाहे ना, तो भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम संघर्ष करते हैं अपने हक और अधिकारों के लिए। हम संघर्ष करते हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। हम संघर्ष करते हैं राजस्थान से जातिवाद और सामंतवाद जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए। मैं पहले एक सूचना दे दूं आपको, लाइव 10 मिनट लंबा जाएगा, मैं पहले आपको एक सूचना दे दूं। दिनांक 19 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे डाक बंगला नजदीक न्यायालय परिसर बलोतरा राजस्थान, आप सभी साथियों से निवेदन है, जो साथी विशेषकर बलोतरा के हैं और उसके आसपास के हैं, जिला बाड़मेर के हैं या फिर बाली से हैं, पाली से हैं, जैसलमेर से हैं, जो भी नजदीकी हैं, भाई आओ ना, आओ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं, अकेले की, आपकी, हम सब की, मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई है हक अधिकारों की लड़ाई, ये लड़ाई है संवैधानिक लड़ाई। जब सरकार अति करने पर आ जाए तो हम क्या करें, लेकिन पिंजरे में ज्यादा दिन हम नहीं ठहर सकते, नहीं रुक सकते। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 24 दिन इन्होंने मुझे जबरदस्ती जेल में ठूंस के रखा, पिंजरे में बंद करके रखा, मुझे 5 तालों के भीतर कैद करके रखा, 5 तालों के भीतर। अब संविधान यात्रा का आयोजन हमारे सम्मानित साथी कर रहे हैं, सुबह 10 बजे कर रहे हैं, 19 मार्च को कर रहे हैं, 19 मार्च 2023 सुबह 10 बजे डाक बंगला नजदीक न्यायालय परिसर बलोतरा राजस्थान। यहां से शुरू करके सभी सम्मानित साथी हैं वो यात्रा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टाउन हॉल बलोतरा तक पहुंचाएंगे। 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, आपके पास बाइक है तो बाइक ले आए, साइकिल है तो साइकिल ले आए, आपके पास कार है तो कार ले आए, और यदि भाई आप पैदल हैं तो पैदल आ जाएं, आप किसी टेम्पो से बस से आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन आना पड़ेगा। लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, और जब संविधान को बचाने की लड़ाई हो ना माय डियर दोस्तों, तो न्योता नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरी बेटी की शादी नहीं है, क्योंकि मेरी बहन की शादी नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार की शादी नहीं है, भाई कोई कुआं पूजन नहीं है जो मैं नोता दूंगा, कार्ड छपवाऊंगा। ये तो आप सब की लड़ाई है, आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, लेकिन अकेले नहीं आना भाई, 10-20 लोग साथ में भी तो लाओगे, लाओगे, लाने पड़ेंगे। जेल हुई हुई न जाने कितनी बार हुई, जब भी जरूरत पड़ेगी जाएंगे। इस संबंध में एक लंबा सा लाइव हम बाद में भी देंगे, कि शॉर्ट लाइव है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये एक आमंत्रण है, निमंत्रण है, सादर निमंत्रण है, कम हियर, आ जाएं, जरूर पहुंचे। कहां पहुंचे? डाक बंगला पहुंचे, सुबह 10 बजे पहुंचे रविवार को, और संविधान यात्रा का हिस्सा बने, शांति प्रिय तरीके से निकाल लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है भाई किसी को। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बाद की वीडियो में भी बोलूंगा, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सबसे पहले तो हमारे सामाजिक साथी हैं और वकील साहब हैं। बस एक मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी है, मेरी जीवन साथी है, नाम है निशा तंवर एडवोकेट। जाके जज साहब के सामने बहस की, कहां की? बलोतरा में की, सेशन पहले तो की सीजीएम कोर्ट में। सीजीएम कोर्ट बोले, माननीय सीजीएम कोर्ट साहब ये बोले, बेल कैंसिल, खारिज, सतपाल तंवर को जमानत नहीं देंगे। ठीक है भाई, आप जज साहब है, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने बेल नहीं दी।
हम आपका सम्मान करते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, जुडिशरी का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जमानत मेरा अधिकार है। सेशन कोर्ट बल्होत्रा पहुंचे, बोले नहीं देंगे बेल। ठीक है जी, धन्यवाद आपका तहे दिल से, जो हमने आपने हमें जमानत नहीं दी और हम जेल में पड़े रहे, कोई बात नहीं। फिर माननीय निशा तंवर एडवोकेट साहिबा पहुंची जोधपुर हाई कोर्ट। जज साहब ने कहा जमानत देंगे, एक बार नहीं कई बार देंगे, जब भी जरूरत पड़ी तब ही देंगे, क्योंकि यह है आजादी अभिव्यक्ति की, जिसको सरकार नहीं रोक सकती। सतपाल तंवर की बेल ग्रांट की जाती है और मुझे बिना किसी शर्त के जज साहब ने रिहा करने का आदेश फरमाया। धन्यवाद माननीय जज साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जुडिशरी में ऐसे जजिस भी हैं जो आज संविधान को कायम रखे हुए हैं। भाई मजा आ गया, जेल जाके भी मजा आ गया। जब तक जेल में दाना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। क्रांतिकारी हैं ये, हुलिया देख रहे हो आप, मुच्छों में वेलकम नहीं पड़ा करते हैं हमारे। अब देखिए, धन्यवाद व्यक्त करते हैं माननीय निशा तंवर एडवोकेट जी का, जिन्होंने बाली में भी मेरी जमानत पर बहस की, और जमानत पर बहस की एसीजीएम कोर्ट माननीय जितेंद्र जी, उन्होंने मुझे बेल ग्रांट फरमाई। हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेशन कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। माननीय एसीजीएम साहब, माननीय जितेंद्र जी, जुडिशरी में एक बहुत ही अच्छा स्तंभ है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपका। दोबारा वीडियो दूंगा मैं, कहीं लंबी सी एक लाइव अपने गुड़गांव में जाके, तब बताएंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे सबका, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेज से लाइव नहीं चल रहा है अभी। अभी भीमसेना के तमाम पेजों से लाइव चल रहा है, कुछ साथियों के पेजों से